मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पिपरिया में चोरों ने दी पुलिस को चुनौती। दिन दहाड़े हुई बड़ी चोरी की वारदात। दोपहर शिक्षिका के सोने घर में चोरों ने बोला धावा, 1.5 लाख नकदी समेत करीब 17 तोला सोने के जेवरात ले उड़े चोर। शहर से सटे हटवास के गोपेश्वर धाम कॉलोनी में हुई चोरी की वारदात। FSL समेत पुलिस टीम मौके पर, जांच शुरू, खंगाले जा रहे आसपास के CCTV कैमरे। मंगलवारा थाना क्षेत्र का मामला। मैं स्कूल गई थी 10 बजे, हम लोग का जो डेली का रूटीन है, तो मैं 10 बजे स्कूल चली गई थी और मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के आगे 11:15 के समथिंग वो चले गए। हम दोनों चले जाते, ताला डाल के दोनों चले गए थे। तो करीबन 1:58 के समथिंग के मेरे परिचित वाले एक भाई साहब को फ़ोन गया कि बोले तुम्हारे घर में ताला नहीं है, तुम कहाँ हो? तो बोले, मैंने बोला कि नहीं, हम लोग तो ड्यूटी पे। बोले एक लड़का अंदर गया है, क्या मेहमान आए घर में? तो मैंने कि नहीं भैया, कोई मेहमान नहीं आया। तो मैंने इनको फ़ोन लगाया, हस्बैंड को फ़ोन लगाया कि आप कहाँ हो? तो ये बोले मैं तो ऑफिस में हूँ। तो वो तुरंत आए वहाँ से, तो देखा तो हम तो वो मुझे लेके आए, देखा यहाँ से वहाँ तक पूरे घर में चोरी हो चुकी थी, पूरे ताले टूटे डले हुए थे और सामान पूरा बिखरा था। तो करीबन 25-26 तोला गोल्ड होगा मैं, और 4.5 लाख रुपये कैश था। मैं अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रही थी, उसके लिए जोड़ रही थी, तो धीरे धीरे करके मैं अकाउंट से पैसे निकालते रहती थी और गोल्ड भी थोड़ा थोड़ा करके मैं, जब से वो उसका जन्म हुआ था, जब से थोड़ा थोड़ा करके जोड़ रही थी मैं उसके लिए कि शादी में काम आएगा, इसलिए वो कैश रखा था घर में और वो गोल्ड रखा था इकट्ठा, वो सब ले गए। पुलिस आई थी, पुलिस को सूचना थी, मैंने पुलिस भी आई थी, पुलिस ने भी कुछ इंक्वायरी किया, होशंगाबाद से उन लोग ने भी कार्रवाई कर रहे हैं वो लोग की।